अडानी प्रकरण को लेकर भराई जिला कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस समिति के निर्देशानुसार सोमवार को सिविक सेंटर स्थित SBI बैंक और LIC कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि PM मोदी अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए देश के लोगों की गाढ़ी कमाई को खतरे में डाल रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई अपने बच्चों के लिए SBI में जमा की है, उन्हें अब भविष्य की चिंता सताने लगी है। भिलाई जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने कहा कि SBI में 45 करोड़ और LIC में 40 करोड़ लोगों का पैसा लगा है। आज यह पैसा डूबने की कगार पर पहुंच गया है। वही पार्षद एवं MIC सदस्य रीता सिंह गेरा ने कहा कि अडानी समूह में LIC ने 36,474 करोड़ और भारतीय बैंकों ने लगभग 80,000 करोड़ का निवेश किया है। अब जांच कराने से केंद्र सरकार क्यों कतरा रही है? जानते हैं कि एक रिपोर्ट के अनुसार से अडानी जी की जितनी कंपनियां थी उतनी सारी कंपनियों में हमारे जो प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उन्होंने उस पर निवेश किया था। उस निवेश के बारे में हमारा उस LIC का निवेश है, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निवेश है, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का निवेश है। तो ये सारे जगह पे हम जो आम आदमी हैं देश के, उन लोगों का पैसा, चूँकि हम लोगों ने LIC में निवेश किया हुआ है, हमारी राशि LIC SBI में सुरक्षित है कि नहीं है, इस बारे में अभी तक हम लोगों को किसी भी तरीके से आम नागरिकों को कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है। तो इसके लिए हम LIC और SBI को हम ये जानना चाहते हैं कि इनके जो है विधिवत रिपोर्ट क्या है, वो हम लोगों को समस्त खाताधारकों को, निवेशकों को इसकी जानकारी दी जाए और इसकी जांच करवाई जाए और संसद में भी इस पर चर्चा करवाई जाए। इसकी मांग, जानकारी मांगने के लिए हम लोगों ने यहां पर आज का ये धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार का प्रदर्शन किया जा रहा है कि हमारे अडानी जी, जो मोदी जी ने अडानी जी को जो सरकार पूरी सौंपी दी है, एक तरीके से मान लीजिए हम लोगों का LIC SBI का पैसा उसमें लग गया है और हमारी आधी जनता मतलब खोखली हो चुकी है, उसके वजह से आज हम धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी ये मांग है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो गलत है, उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा हमारे देश को, इंडिया को, वो जगह जगह LIC को बेच रहे हैं, हर चीज़ें बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। आम आदमी तो उससे परेशान है ना, और वो हम उनकी नीतियों का विरोध करते हैं।